हेलो दोस्तों, आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्यूचर जोन कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज की संस्कृत की चौथी क्लास है। अब इससे पहले मैंने आपको महाभारत के तीन पर्व बताए थे। महाभारत के आपको कितने पर्व बताए थे? तीन पर्व। पहला पर्व कौन सा बताया था? आदि पर्व। कौन सा? आदि पर्व। इस पर्व से कौन कौन सी रचनाएं थी? इस पर्व से रचनाएं थी अभिज्ञान शाकुंतलम, किसने लिखी थी ये? कालिदास ने। किसने लिखी थी ये? कालिदास ने। आज थोड़ा इस रिवीजन को जल्दी से वाइंड अप करेंगे। दूसरा पर्व कौन था? सभा पर्व। कौन सा? सभा पर्व। इससे कौन कौन सी रचनाएं थी? सभा पर्व से शिशुपाल वदम। कौन सी? शिशुपाल वदम। किसने लिखी थी ये? हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें कितने अंक हैं? सात अंक हैं। और मैंने आपको बताया था जिसमें अंक होते हैं उसे नाटक बोलते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या एक नाटक है? क्या है? एक नाटक। और शिशुपाल वधम क्या है? सर्गों में लिखा हुआ है। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। सर्ग होने की वजह से क्या है ये? एक महाकाव्य। क्या है ये? एक महाकाव्य। किसने लिखा है ये? श्री माघ द्वारा। श्री माघ जी ने लिखा है। और इनको एक उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी श्री माघ जी को? घंटा माघ। कौन सी? घंटा माघ। कौन सी उपाधि दी गई थी? घंटा माघ। अब ये याद रखना, शिशुपाल वदम ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसके नीचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नीचे का फिर रफ कर देता हूं। तीसरा पर्व कौन सा बताया था? वन पर्व। कौन सा? वन पर्व। वन पर्व में दो रचनाएं थी। कीर्तार्जुन्यम कीर्तार्जुन्यम और दूसरी थी नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम। कौन सी थी? नैषधीय चरितम। ये किसने लिखा था और ये किसने लिखा था? ये दोनों, पहली बात, इसमें 18 सर्ग हैं और इसमें 20 सर्ग। सर्ग होने की वजह से क्या, ये कौन सी रचना हो गई? महाकाव्य। क्या हो गई? महाकाव्य। कीर्तार्जुन ने किसने लिखी दी है? श्री भारवी द्वारा। किसने लिखी है? श्री भारवी। ये किसने लिखी थी? श्री माघ। सर्ग इसमें सर्ग कितने हैं? 20। इसमें सर कितने हैं? 18। इसमें सर कितने हैं? 20। और इसे लिखा कितने हैं? श्री हर्ष। किसने लिखा है? श्री हर्ष ने। अब आप देखिए, अभी तक मैंने जो पढ़ाया था उसी को दोबारा बताया आपको। आदि पर, महाभारत में आदि पर पहला पर्व है। इसमें इससे क्या लिखा गया, किसने रचना की है? इससे रचना पर्व लिखा गया महाभारत में, लेकिन इससे रिलेटेड जो रचनाएं बनाई कालिदास ने बनाई, कौन सा नाटक लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? सात अंक हैं। अंक होने की वजह से अभिज्ञान शाकुंतलम क्या बना? एक नाटक बना। या अंक नाटक कहीं में लिखे जाते हैं? अंकों में लिखे जाते हैं। शिशुपाल वदम, शिशुपाल वदम कहीं में लिखा गया? सर्गों में। मैंने आपको पहले बताया सर्ग जो होते हैं, सर्गों में महाकाव्य लिखा जाएगा, अंकों में नाटक लिखे जाएंगे। अब शिशुपाल वधम
किसने लिखा है? श्री माघ ने। इनको एक उपाधि दी गई है, क्या? घंटा माघ की उपाधि। क्या दी गई है? घंटा माघ की उपाधि। कृतार्जुनियम, कृतार्जुनियम किसने लिखा है? श्री भारवी द्वारा। किसने लिखा है? श्री भारवी द्वारा ये रचना की गई है। नैषधीय चरितम किसने लिखी है? श्री हर्ष, हर्ष जी ने। उनकी दूसरी एक थी विद्युत औषधम, विद्युत औषधम एक और रचना है किनकी? श्री हर्ष की। फिलहाल के लिए ये तीनों इंपोर्टेंट है। फिलहाल के लिए तीनों इंपोर्टेंट, अब इससे आगे का बताएंगे। इन तीनों रचनाओं को क्या बोलते हैं? बृहत्त्रयी। क्या बोलते हैं? बृहत्त्रयी। पहली रचना कौन सी है? शिशुपाल वधम। दूसरी कौन सी है? कृतार्जुनियम। थर्ड कौन सी है? नैषधीय चरितम। इन तीनों रचनाओं क्या बोला जाता है? बृहत्त्रयी। क्या बोला जाता है? बृहत्त्रयी। अब आप सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला सवाल, कौन कौन सी रचना है बृहत्, सॉरी नीचे का आपका दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ठीक, इन तीनों रचनाओं क्या बुलाता है? बृहत्त्रयी। आपका सवाल क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी रचना बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आती है? तीन ऑप्शन दे देंगे, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, कृतार्जुनियम और तीसरी दे देंगे रामायण। अब बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? आजकल ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो कौन सी नहीं आती है? रामायण नहीं आएगी। इन तीनों को याद कर लीजिए, इन तीनों के अलावा जौन सी रचना होगी वो बृहत्त्रयी में नहीं आएगी। कौन सी नहीं आएगी? इन तीनों के अलावा बृहत्त्रयी में रचना नहीं आएगी। या फिर सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी रचना बृहत्त्रयी की है, बृहत्त्रयी ग्रंथ की है? ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इससे आगे से पढ़ाना स्टार्ट करें। अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पर्व, भीष्म पर्व। हम सारे पर्व नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पर्व पढ़ रहे हैं। तो अगला पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व। इस पर्व की संख्या कौन सी है? छठी। भीष्म पर्व, अब आपको यह तो पता है भीष्म पर्व में एक हमारी श्रीमद् भगवत गीता जी लिखी गई है। क्या लिखी गई है? श्रीमद् भगवत गीता। गीता किसमें लिखी गई है? भीष्म पर्व के अंदर ही लिखी गई है। ठीक है, अब भीष्म पर्व के अंतर्गत कौन सी रचना लिखी गई है? श्रीमद् भगवत गीता। इसमें कितने श्लोक हैं? अब इसी की बात कर रहे हैं, केवल श्लोक। श्लोकों की संख्या कितनी है? 700। कितनी है? 700। इसमें श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। अच्छा, इसमें हुआ क्या है? श्री कृष्ण जी द्वारा कृष्ण को उपदेश दिया गया है। कैसा उपदेश? के कर्म कर, फल की चिंता मत कर, अपना धर्म पे अपने धर्म को निभाता हुआ चल। ठीक है, रस कौन सा है? अच्छा, इसमें रस कौन सा होगा जो अभी तक हमारी पूरी महाभारत में चला हुआ है? कौन सा रस चला हुआ है? शांत रस। तो इसमें भी कौन सा रस होगा? शांत रस।
कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। इसमें अध्याय कितने हैं? मैंने आपको बताया था ना एक चीज कि महाभारत में 18 का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, 18 नंबर का। तो अध्याय कितने हैं? इसमें 18 अध्याय। अब देख लीजिए, श्रीमद भगवत गीता में श्लोक कितने हैं? 700। अध्याय कितने हैं? 18। रस की कौन सा है? शांत रस। श्री कृष्ण जिसने किसको उपदेश दिया था? अर्जुन को उपदेश दिया, सॉरी कृष्ण को नहीं, अर्जुन को उपदेश दिया था, माफ कीजिएगा, अर्जुन को उपदेश दिया था, अपने मित्र को उपदेश दिया था, सखा को उपदेश दिया था, जब वे अपने पद से भ्रष्ट हो गए थे, भ्रष्ट नहीं पद से डगमगा गए थे कि भाई मैं अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है इसी से रिलेटेड, वो पूछता है वनवास, वनवास के बारे में ध्यान रखना। 12 वर्ष का तो इनको वनवास हुआ था, प्लस 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब क्या था? उस 1 वर्ष में अगर कौरवों ने पांडवों को ढूंढ लिया तो पुनः उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ेगा और फिर 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाना पड़ेगा। इसलिए टोटल कितना था ये इन दोनों का? 13 वर्ष। कितना था? 13 वर्ष का उन्हें क्या हुआ था? वनवास हुआ। किनको? पांडवों को। तो आपको उत्तर क्या लिखना है? 13 वर्ष का वनवास। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 12 वर्ष का वनवास का मतलब था कि वे जंगलों में रहे, किसी भी राज्य पर अपना अधिकार ना जमाए, कोई भी अपनी राजधानी वाजधानी ना बनाए। 1 वर्ष का अज्ञातवास ये था कि कौरव अगर उस 1 वर्ष में पांडव को ढूंढ लेते हैं और पहचान लेते कि यही पांडव है, तब उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास होगा और फिर 1 साल का अज्ञातवास होगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक वे 13 वर्ष तक छिपे ना रहे या 13वें वर्ष में छिपे ना रहे, जिसमें वे नहीं मिलते हैं फिर बाद में, और फिर महाभारत का युद्ध आपका होता है उसके बाद। महाभारत के आपको नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका सीन छोड़ ले लीजिए। महाभारत के आपको पहले ही नाम बता चुका हूँ, क्या क्या नाम थे आपको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जय संहिता, सत सहस्त्री संहिता, महाभारत, और एक और नाम था, कौन सा नाम था महाभारत का? भारत संहिता। क्या था? भारत संहिता। तो इसलिए कितने नाम हो गए? 4 नाम। पहला महाभारत, दूसरा भारत संहिता, तीसरा जय संहिता, चौथा जय संहिता, भारत संहिता, महाभारत, हाँ सत सहस्री संहिता। सत सहस्री मतलब 100,000 श्लोक जिसमें हो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो स्क्रॉल कर देते हैं। इसके बाद महाभारत का अंतिम पर्व है, ये बस आप याद कर लीजिए। सवाल आपसे पूछ सकता है महाभारत का अंतिम पर्व कौन सा है? स्वर्गारोहण। कौन सा है? स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण पर्व अच्छा, श्रीमद् भगवद् गीता के मैंने अभी आपको बताया 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय बताए? 18 अध्याय। इनमें से जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है वे अध्याय मैं आपको लिखवा देता हूं, उनको बस याद रखना है। ठीक है,
इनको आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं है, टोटल तो 18 है, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण कौन है, मैं महत्वपूर्ण लिख देता हूं, जैसे कि अर्जुन विषाद योग, इसका नंबर कौन सा है, पहला, अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, तीसरा कौन सा होगा, कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, कौन सा है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, पहला कौन सा है, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, दूसरा कौन सा है, सांख्य योग, तीसरा कौन सा है, कर्म योग, चौथा कौन सा है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, सातवां कौन सा है, इसके बाद पांचवा छठा नहीं, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग कौन सा है, पहला अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, और सातवां कौन सा है, ज्ञान विज्ञान योग, दसवां कौन सा है इसमें, विभूति योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, विश्व रूप दर्शन योग, ये कौन सा है, 11वां, 11वें के बाद हमें 12वां पढ़ना है, 15वां पढ़ना है और 18वां पढ़ना है, पहला अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, क्या है, 12वां भक्ति योग, 15वां योग कौन सा है, 15वां योग है पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग, सही है सही है, पुरुषोत्तम योग, और अंतिम अध्याय कौन सा है, मोक्ष संन्यास योग, कौन सा है, मोक्ष संन्यास योग, अब समझिए, पहला अर्जुन विषाद योग, जब स्टार्टिंग में अर्जुन बहुत द्रवित हो जाते हैं, उन्हें देख के, अपने अपनों को ही देख के द्रवित हो जाते, तब उनका अर्जुन विषाद योग, उसके बाद सांख्य योग, फिर कर्म योग, कर्म योग के बाद ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, संन्यास कौन क्या है, ज्ञान विज्ञान योग, सातवां, दसवां क्या है, विभूति योग, 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, इसमें ये है, सबसे बड़ा अध्याय, ये आपको ऐसे ही याद रखने, इसमें कुछ इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, मोक्ष संन्यास योग, हमें 18 के 18 नहीं पढ़ने हैं, हमें पढ़ने कितने हैं, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पढ़ने भी नहीं, केवल ये याद रखने, कौन सा योग इसमें आते हैं, और इनसे सवाल क्या हो जाएगा कि अर्जुन विषाद योग किस से लिया गया है, तो आपको क्या बताएं, श्रीमद् भगवत गीता में, या श्रीमद् भगवत गीता में कौन सा योग नहीं आता है, तो ये इंपॉर्टेंट योग है उनमें से, इस तरह का आपको सवाल पूछेगा, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है इसमें, मोक्ष संन्यास योग। अब इसके बाद शंख परिचय, शंख परिचय क्या, कि अर्जुन के शंख को क्या बोलते थे, श्री कृष्ण के
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाबत लिखता हूँ। अर्जुन के संघ को क्या बोलते थे, श्री कृष्ण के संघ को क्या बोलते थे, युधिष्ठिर के संघ को क्या बोलते थे, नकुल सहदेव के संघ को क्या बोलते थे, तो ये इंपॉर्टेंट शंखों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो मैं रफ कर देता हूं। शंख परिचय, सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, श्री कृष्ण, इधर नाम और इधर शंख का नाम। श्री कृष्ण के बाद क्या है, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के बाद भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव, श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था, पांच जन्य, और अर्जुन के शंख का नाम क्या था, पौंड्र, जहां तक मेरा आ रहा है, नहीं नहीं देवदत्त, सॉरी, भीम के शंख का नाम था पौंड्र, क्या था, पौंड्र, इसके नाम था देवदत्त, इनका नाम था पांचजन्य, शंख का नाम भीम का पौंड्र और अर्जुन का देवदत्त, और युधिष्ठिर का सीधा सीधा एक आशीर्वाद के रूप में समझ लीजिए, अनंत विजय, अनंत विजय, जहां भी विजय की बात आएगी तो किसका नाम आएगा, युधिष्ठिर का, तो अनंत विजय, श्री कृष्ण का पांचजन्य, भीम का पौंड्र, अर्जुन का देवदत्त, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक। अब आप इसमें से इंपोर्टेंट क्या है, पहले चार इंपोर्टेंट, कैसे, आपसे सवाल पूछा जाएगा, पांच जन्य की का, पांच जन्य शंख किस का था, पांच जन्य शंख नाम किस का था, तो आपसे चार ऑप्शन दे देगा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, अगर पता है तो आप श्री कृष्ण पे टिक कर दोगे, नहीं तो फिर सब एक समान, तो क्या आएगा, इधर हो जाता, सही है, श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है, पांचजन्य, युधिष्ठिर की अनंत विजय, भीम के पौंड्र, अर्जुन के देवदत्त, नकुल के सुघोष और सहदेव के मणिपुष्पक, ये किसका नाम है, शंख का नाम है। सवाल कैसा आएगा, श्री कृष्ण के शंख का नाम बताइए, भीम के शंख का नाम बताइए, अर्जुन के शंख का नाम बताइए, नकुल के शंख का नाम बताइए, सहदेव के शंख का नाम बताइए, अब आपको क्या याद रखना है, पांचजन्य देवदत्त, पांच जन्य देवदत्त, अनंत विजय पौंड्र, पांच जन्य देवदत्त क्यों बोला, क्योंकि श्री कृष्ण का अगर नाम आता है तो साथ में किसका नाम आता है, अर्जुन का नाम आता है, तो पांच जन्य देवदत्त, पांच जन्य किसका है, श्री कृष्ण जी का, देवदत्त किसका है, अर्जुन जी का, अनंत विजय पौंड्र, अनंत विजय, अनंत विजय जी विजय का नाम आता है क्या, किसका नाम आएगा, युधिष्ठिर का, पौंड्र भीम का, सुघोष मणिपुष्पक, सुघोष किसका है, नकुल का, मणिपुष्पक किसका है, सहदेव का, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके वर्ण विचार या व्याकरण का पोर्शन थोड़ा स्टार्ट होगा, और फिलहाल के लिए लौकिक संस्कृत साहित्य में यहीं तक था। इसके बाद मैं शब्द रूप आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने आपको भी राम का शब्द रूप पढ़ाया था, बीच बीच में आपको रिवाइज कराते रहेंगे, हरि का शब्द रूप, फिर गुरु का शब्द रूप, फिर पितृ का शब्द रूप, ऐसे ही याद करते चलेंगे। रूप आपको याद करते रहना है। मैंने आपको पहले राम का रूप याद कराया था, तो क्या करा था, एक वचन के सारे नाम याद कराते थे, फिर द्विवचन के सारे, फिर बहुवचन के सारे, इसी तरह आज एक वचन के हम दोबारा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगी संस्कृत की, जिसमें मैंने राम के रूप याद कराए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। मैं फिर भी एक बार दोबारा आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। मैंने आपसे कहा भी था कि डेली आपको 5 बार एक वचन, 5 बार द्विवचन और 5 बार बहुवचन का नाम याद करना है, दोहराना है बार बार। इससे क्या रहेगा, आपके राम के शब्द रूप याद रहेंगे। राम के शब्द रूप एक बार याद हो गए, फिर वो आप कोई भूलोगे नहीं। फिर हरि के ऐसे ही, एक हफ्ते में आप एक शब्द रूप याद करोगे तो आप एग्जाम तक आपके पास कम से कम 10-12 शब्द रूप याद हो जाएंगे। उसके साथ धातु रूप याद हो जाएगी। शब्द रूप की बात करते हैं, अब राम का रूप याद करते हैं, एक वचन का। एक वचन का राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। हे राम मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि हे और विस्मयादि बोधक चिन्ह एक वचन के अंत में है। जिनको अभी समझने में दिक्कत हो रही है, वे इस वीडियो को रोककर दूसरी वीडियो या पहली वीडियो में जाके देखें, वहां पे मैंने एक वचन सब लिखवाया हुआ है। नहीं तो आपके पास संस्कृत की जो भी किताब है उसमें राम का रूप अपने हाथ में रख लीजिए, और एक वचन को, एक वचन की एक लाइन देखिए, उनको बोलता चले जाइए। राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। मैं कैसे बोल रहा हूँ, प्रथमा फिर द्वितीया, एक वचन के प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, फिर संबोधन। राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। एक वचन के हो गए ऐसे, फिर द्विवचन के, फिर ऐसे बहुवचन के। मैंने आपको अच्छे से इस वीडियो में बताया है, इसलिए इस वीडियो के स्टॉप करने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें, और शब्द रूप आप राम के जरूर याद करें। तो आज के लिए थैंक यू, यहीं से क्लास को वाइंड अप करते हैं। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस क्लास में क्या कमी नजर आ रही है, क्योंकि उसी कमी को हम बार बार अच्छे से और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और फ्यूचर जोन कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।